हाय एवरीवन, नमस्कार फ्रेंड। आज का जो टॉपिक है वेटनरी पब्लिक हेल्थ से मैंने लिया है और उसमें आज मैं जूनोटिक के बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है, जूनोटिक डिजीज़ क्या होता है। कोई भी डिजीज़ जो है ह्यूमन से एनिमल में या तो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है तो उसको जो है जूनोटिक डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो आज जो पहला जो है क्लासिफिकेशन के बारे में मैं बताऊँगा। क्लासिफिकेशन मतलब जूनोसिस का क्या क्लासिफिकेशन है। बहुत ही कन्फ्यूजिंग वर्ड रहते हैं तो इसको समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो फ्रेंड, आज का अगर आप वीडियो ये देखते हैं तो आपको ये सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड, विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड मैं बताता हूँ इसका जो क्लासिफिकेशन ऑफ जूनोसिस में क्या है। तो इसमें तीन बेसिस लिया गया है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। बेस्ड ऑन एटियोलॉजिकल एजेंट के आधार पर क्लासिफिकेशन है, बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन साइकिल के आधार पर क्लासिफिकेशन है, बेस्ड ऑन रिजर्व और होस्ट के आधार पे जो है क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एक करके अभी बताने वाला हूँ। तो बेस्ड ऑन इटियोलॉजिकल एजेंट, इटियोलॉजिकल एजेंट में क्या क्या हो सकते हैं? वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, माइकोप्लाज्मा हो सकते हैं, ठीक है, रिकेट्सियल डिजीज हो सकता है। अब जो पहला क्लासिफिकेशन मतलब इससे जो डिजीज होते हैं तो पहला क्लासिफिकेशन यही है, वायरस से जो डिजीज़ होता है। तो इसके बारे में मैं एक डिटेल जो है बताऊंगा, वायरस कौन सा डिजीज़ होता है, बैक्टीरिया से कौन कौन सा होता है, तो इसके बाद में मैं एक जो है अलग से कवर करूंगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन साइकिल, ट्रांसमिशन साइकिल के आधार पर जो है इसको चार में डिवाइड किया गया है। डायरेक्ट जूनोसिस, ठीक है, एक पहला कौन सा है, डायरेक्ट जूनोसिस, एक होता है साइक्लोजूनोसिस, एक होता है मेटाजूनोसिस और एक सेप्रोजूनोसिस। ठीक है, डायरेक्ट जूनोसिस में फ्रेंड क्या होता है कि इसमें एक ही होस्ट जो है वो साइकिल को कंप्लीट करता है। मतलब कि जो कोई भी जो एटोलॉजिकल एजेंट रहता है एक ही होस्ट में साइकिल कंप्लीट करता रहता है। ठीक है, तो कोई भी ले लो, जैसे डायरेक्ट जूनोसिस में मतलब एक वर्टिब्रेट होस्ट, ठीक है, वो नेचर में मेंटेन किया रहता है। जैसे कोई भी डिजीज, रेबीज हो गया, ठीक है, टीबी हो गया, ये सब जो है एक वर्टिब्रेट होस्ट जो है मतलब कि हमेशा नेचर में ये डिजीज़ मेंटेन रहता है, एक ही वर्टिब्रेट। तो फ्रेंड जो दूसरा नंबर का है साइक्लोजूनोसिस, साइक्लोजूनोसिस का मतलब क्या होता है, इसको जो एटोलॉजिकल एजेंट होता है इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो से ज़्यादा वर्टिब्रेट होस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब इसमें जो है ये भी दो तरह का होता है, ऑब्लिगेटरी नॉन ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी फ्रेंड जो है जो एटियोलॉजिकल एजेंट को जो है लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसमें जो है मैन की रिक्वायरमेंट कंपलसरी रहती है, मतलब मैन जो है वो मस्ट रहता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल में आप समझ सकते हैं कौन सा हो सकता है, टीनिया सोलियम, ठीक है, टीनिया सेजिनाटा। ओके फ्रेंड, नॉन ऑब्लिगेटरी में मैन जो है रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं होती है। तो इसका एग्जांपल क्या होता है, हाइड्रेटियोसिस, ठीक है, ए डिजीज आप याद रखिए, हाइड्रेटियोसिस। और फ्रेंड आप जानते ही होंगे हाइड्रेटियोसिस किससे होता है, इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसमिशन साइकिल के आधार पे जो है थर्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है, मेटाजूनोसिस। ठीक है, मेटाजूनोसिस में जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है कोई भी डिजीज काज करने का, तो उसको जो है लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में वर्टिब्रेट होस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, इनवर्टिब्रेट होस्ट की ज़रूरत भी पड़ती है। ठीक है, इसके पहले साइक्लोजूनोसिस में वर्टिब्रेट होस्ट, टू आर मोर वर्टिब्रेट होस्ट, और मेटाजूनोसिस में जो है वर्टिब्रेट होस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, इनवर्टिब्रेट होस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। और इसी के आधार पर जो है चार टाइप मतलब कि फोर टाइप्स के होते हैं। टाइप फर्स्ट में क्या होता है, टाइप फर्स्ट में क्या है, वन वर्टिब्रेट होस्ट और वन जो है इनवर्टिब्रेट होस्ट। ठीक है, उसके लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में जो है वन वर्टिब्रेट होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, वन इनवर्टिब्रेट होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, येलो फीवर एंड प्लेग, जो येलो फीवर और प्लेग होता है एग्जाम्पल होता है टाइप फर्स्ट। टाइप सेकेंड में क्या होता है, वन वर्टिब्रेट होस्ट प्लस टू इनवर्टिब्रेट होस्ट। ओके, वन वर्टिब्रेट होस्ट, टू इनवर्टिब्रेट होस्ट। तो इसमें क्या होता है एग्जाम्पल, पैरागोनिमस, ठीक है, पैरागोनिमियासिस। तो टाइप सेकेंड क्लोरॉन्ची मतलब कि जो थर्ड टाइप का एग्जाम्पल है क्लोरॉन्चियासिस, इसमें क्या होता है आप जानते ही होंगे, इसमें जो है टू वर्टिब्रेट होस्ट की ज़रूरत पड़ती है और वन इनवर्टिब्रेट होस्ट की ज़रूरत पड़ती है।
तो टाइप थर्ड में क्या होता है, टू वर्टिब्रेट वन इनवर्टिब्रेट, और एग्जांपल मैंने पहले ही बता दिया क्लोरोनचियासिस, क्लोरोनचियासिस जो है टाइप थर्ड। और टाइप फोर जो होता है इसमें क्या होता है, ट्रांस ओवेरियन, ठीक है, इसमें क्या होता है, ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन। ठीक है, मतलब वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है इसमें, ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन। इसका एग्जांपल है कोई भी टिक बॉर्न इंसेफलाइटिस, ठीक है, टिक बॉर्न इंसेफलाइटिस वो जो है टाइप फोर में आता है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। साइक्लोजिनोसिस में क्या होता है, सिर्फ वर्टिब्रेट होस्ट की जरूरत रहती है, ठीक है, वर्टिब्रेट होस्ट। मेटाजिनोसिस में क्या होता है, वर्टिब्रेट भी रहता है इनवर्टिब्रेट भी रहता है। अब आप बात करते हैं सेप्रोजिनोसिस, ठीक है, सेप्रोजिनोसिस में क्या है, वर्टिब्रेट होस्ट भी रहता है इनवर्टिब्रेट होस्ट भी रहता है, लेकिन साथ में क्या होता है, नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट भी जरूरत पड़ता है, नॉन एनिमेट, ठीक है, नॉन एनिमेट समझ सकते हैं मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जैसे क्लॉथ हो गया, ठीक है, और क्या कहते हैं, अर्थ सॉइल हो गया, ये सब जो है नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट हो गए। तो ये जो है सेप्रोजिनोसिस, मतलब कि लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, इनवर्टिब्रेट भी रहता है वर्टिब्रेट भी रहता है और साथ में जो है नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। अब इसमें जो पहला जो है सेप्रो, अच्छे से पढ़िए, सेप्रो एंथ्रोपोजिनोसिस, सेप्रो एंथ्रोपोजिनोसिस मतलब क्या होता है, इसमें जो ये डिजीज होता है एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र तो होती है, लेकिन क्या होता है, साथ में एनिमेट ऑब्जेक्ट मतलब नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सीएलएम, सीएलएम क्या है, क्यूटेनियस लार्वा माइग्रान। जैसा कि पता है क्यूटेनियस लार्वा माइग्रान ह्यूमन में कहाँ से ट्रांसफ़र होता है, वो जो है अर्थ से आता है, मतलब कि सॉइल से, क्यूटेनियस लार्वा माइग्रान या एनसाइक्लोस्टोमियासिस, ये दो एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसको भी ध्यान से पढ़िए, सेप्रो एम्फी, जो एम्फी टर्म है यहीं से डिफिनेशन बन जाएगा। एम्फी मतलब क्या होता है, मैन एज वेल एज एनिमल, दोनों जो है नेचर में इक्वली शेयर करते हैं ये डिजीज़, ठीक है, तो लेकिन इक्वली शेयर करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो है नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट भी होता है। तो क्या होता है इसका एग्जांपल, हिस्टोप्लाज्मोसिस और फंगल डिजीज़, जितने भी फंगल डिजीज होते हैं, हिस्टोप्लाज्मोसिस होते हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, सेप्रो मेट एंथ्रोपोजिनोसिस। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, एक वर्टिब्रेट होस्ट रहता है, एक इनवर्टिब्रेट होस्ट रहता है, और साथ में क्या रहता है, साथ में क्या रहता है, नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट, मतलब नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट का होना इसमें कंपलसरी है। तो एग्जांपल के तौर पे क्या होता है, फैसिलियोसिस, ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी तक जो है जो मैंने बताया है, डायरेक्ट जूनोसिस में ऐसा कुछ मतलब कि अलग से ज़रूरत नहीं है, एक ही जो है होस्ट जो है वो साइकिल को मेंटेन कर सकता है, ठीक है। साइक्लोजिनोसिस में क्या है, साइक्लोजिनोसिस में क्या होता है, उसको साइकिल कंप्लीट करने के लिए इटोलॉजिकल एजेंट को, तो उसको जो है कम से कम जो है दो वर्टिब्रेट होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, ऑब्लिगेटरी क्या होता है, उसमें मैन की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनाटा हो गया। नॉन ऑब्लिगेटरी में क्या होता है, हाइडेटियोसिस, मतलब क्या होता है, मैन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। मेटाजिनोसिस में क्या होता है, वर्टिब्रेट के साथ इनवर्टिब्रेट होस्ट भी जरूरत रहता है, इसमें टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट के आधार पर डिवाइड किया गया है। अब आ जाओ सेप्रोजिनोसिस में क्या होता है, इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट ये सब तो रहते ही हैं, साथ में जो है नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट रहता है, लेकिन अब उसके आधार पर जो है तीन में डिवाइड किया गया। सेप्रो एंथ्रोपोजिनोसिस मतलब क्या होता है, कि जो डिजीज़ एनिमल का रहता है वो ह्यूमन में ट्रांसफ़र होता है, लेकिन नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो इसमें एग्जांपल क्या है, क्यूटेनियस लार्वा माइग्रान, एनसाइक्लोस्टोमियासिस। दूसरा क्या है, सेप्रो एंथ्रोपोजिनोसिस, मतलब क्या होता है, ये डिजीज़ जो है एनिमल ह्यूमन जो है इक्वली शेयर करते हैं, लेकिन क्या है उसमें नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सेप्रोमेट एंथ्रोपोजिनोसिस में क्या होता है, आपको वर्टिब्रेट होस्ट भी चाहिए, इनवर्टिब्रेट होस्ट चाहिए, और जो है साथ में नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट भी चाहिए, ठीक है, ओके। अब आ जाइए बेस्ड ऑन रिजर्वर होस्ट, ठीक है, इसके आधार पे भी जो है तीन में डिवाइड किया गया है, ठीक है, कौन कौन सा, एंथ्रोपोजिनोसिस, जू एंथ्रोपोनोसिस एंड एम्फीजिनोसिस। एंथ्रोपोजिनोसिस क्या होता है, एक्चुअली में ये डिजीज जो है एनिमल का रहता है,
ठीक है। एक्चुअली में ये डिजीज़ किसका रहता है, एनिमल का रहता है, लेकिन एक्सीडेंटली जो है ये ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाता है। मान लो कोई ह्यूमन जो है किसी जगह का ऐसी जगह काम कर रहा है जहाँ पे डिजीज़ होने के चांसेस हैं, जैसे हॉस्पिटल में क्या है, जैसे हम लोग डॉक्टर हैं हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो वहाँ पे जो है डॉग रहते हैं, अगर डॉग बाइट होता है तो उसकी वजह से रेबीज होने के चांसेस रहते हैं। तो होता है कि इसमें एंथ्रोपोजिनोसिस, ठीक है, एंथ्रोपोजिनोसिस, लेप्टो, इसका एग्जाम्पल क्या है, लेप्टोस्पोरा रेबीज। एनिमल से ह्यूमन में आता है लेकिन वाइसी वर्सा पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, इसका उल्टा नहीं होता है। जू एंथ्रोपोनोसिस, जू एंथ्रोपोनोसिस मतलब क्या है, ये जो है डिजीज ह्यूमन का रहता है लेकिन ट्रांसफ़र हो जाता है एनिमल में। तो इसका एग्जांपल क्या होता है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, अमेबियासिस, एंड एक एग्जांपल जो है सिस्टोसोमा मानसोनी, ये एग्जांपल है जू एंथ्रोपोनोसिस, ठीक है। एम्फीजिनोसिस, एम्फीजिनोसिस में क्या हुआ, नाम ही है एम्फी, एम्फी मतलब कि एनिमल एज वेल एज ह्यूमन दोनों जो है शेयर करते हैं डिजीज, ठीक है, एनिमल से ह्यूमन में हो सकता है, ह्यूमन से एनिमल में हो सकता है। तो ये होता है साल्मोनेलोसिस, ठीक है फ्रेंड, इसका एग्जांपल में साल्मोनेलोसिस। तो फ्रेंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये जूनोसिस से रिलेटेड जितने भी टर्म होते हैं वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ओके फ्रेंड, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। जय हिंद।